Good morning students, I am your maths teacher and this is chapter number 10, properties of triangles. We are doing exercise 10.2, page number 152. Question number 126 we had done in our previous videos. Now question number 7th. 7th question ke andar ye kaha gaya hai ki ek ladder hai jiske length hai 20 meter. Wo ladder इस रोड के एक तरफ एक वॉल है, वॉल के ऊपर एक विंडो है जिसकी हाइट है 12 मीटर। उस विंडो को टच करती है, सपोज करो यहां पे है एक विंडो, उस विंडो को टच करती है एक लैडर और इस विंडो की हाइट है 12 मीटर ग्राउंड से। अब इस लैडर को यहां से टर्न किया जाता है, लैडर का जो फुट है वो वहीं पे रखा जाता है और इस लैडर को टर्न करके रोड के दूसरी तरफ टर्न किया जाता है। जब दूसरी तरफ टर्न करते हैं तो वो एक दूसरी वॉल है जिसकी 16 मीटर की हाइट पे एक और विंडो है। इस 16 मीटर की हाइट पे इस वॉल को ये लैडर टच करती है। तो जब लैडर को टर्न किया जाता है तो लैडर की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आया। लैडर पहले भी 20 मीटर लॉन्ग थी, अभी भी 20 मीटर लॉन्ग। ये थी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन। अब आपको बताना है कि ये जो रोड है बीटी, इस रोड की विड्थ क्या है, मींस लैडर जो है उस रोड के बीच में रखी गई है, पहले ऐसे फिर इसको टर्न करके ऐसे लिया जाता है, तो आपको बताना है इस रोड की विड्थ क्या है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ए बी हो गई एक वॉल जिसकी लेंथ हो गई 12 मीटर, फिर सी डी ये भी एक वॉल हो गई जिसकी लेंथ हो गई 16 मीटर, फिर ये जो लैडर है ई ए या फिर ई सी इसकी लेंथ हो गई 20 मीटर और आपको बी डी यानी इस रोड की विड्थ बतानी है। तो इस डायग्राम को देखते हुए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अपन दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज लेंगे। सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन दो साइड्स की हेल्प से ये साइड निकालेंगे बी ई, जैसे कि ये निकल, फिर वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर, इसमें भी इन दो साइड्स की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालेंगे ई डी की वैल्यू। फिर अपन इस बी ई और ई डी दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्राइंगल ए बी ई के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करते हैं तो मिलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है ए बी जिसका स्क्वायर किया, बेस है बी ई इसका स्क्वायर किया, फिर दोनों को ऐड किया वो किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेनियस यानी ए ई के स्क्वायर के इक्वल, ए ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर जिसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। बी ई की वैल्यू यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी और ए ई की वैल्यू जो कि लैडर है इसकी वैल्यू है 12 मीटर, तो ए ई की जगह पे रखा 12 और इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा 400। ये 144 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा, 400 में से 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 256 जो कि 16 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे लिखा 16 का स्क्वायर। इधर है बी ई स्क्वायर, इधर है 16 स्क्वायर, दोनों तरफ एक साथ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बचेगा बी ई और इधर हो जाएगा 16 मीटर। इट मीन्स बी ई की वैल्यू मिल चुकी है 16 मीटर। सिमिलरली यही काम अपन इस ट्राइंगल के अंदर भी करेंगे, ट्राइंगल सी डी ई इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी ई, वापस वही पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर यानी सी डी का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ई डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस मीन्स सी ई का स्क्वायर। सी डी की वैल्यू गिवन है 16 जिसका स्क्वायर करने पर मिलेगा 256। ई डी की वैल्यू निकालनी है और सी ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है लेटर की लेंथ जो कि है 20, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 400। ये 256 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में होगा, जब इसको 400 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो अब अपने पास है ई डी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, दोनों तरफ एक साथ स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ई डी इक्वल टू 12।
3d की वैल्यू भी आ चुकी है। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, रोड यानी bd की वैल्यू। तो bd किसके इक्वल है, be plus ed, यानी be और ed को ऐड करेंगे तो टोटल bd की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने लिखा है required bd equal to be plus ed। be की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं 16 मीटर, ed की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 12 मीटर। जब 16 और 12 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 28 मीटर। इट मींस ये जो रोड है bd इसकी विड्थ आ चुकी है 28 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी टू साइड्स दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आपको उस रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो सपोज कि अपन ने एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी जिसकी दो साइड्स ए बी और बी सी इनकी लेंथ दे रखी हैं, ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब अपन को यहाँ पे एक डायगोनल ए सी की लेंथ बतानी है। तो अपन जानते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और जहाँ पे राइट ट्राइंगल बनता है वहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर जिसका स्क्वायर करने पर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो अपने पास इक्वेशन बनी AC स्क्वायर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ एक साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो पीछे बचेगा AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है AC उसकी लेंथ आ चुकी है 17 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नाउ एक्सरसाइज 10.2 इज कंप्लीटेड एंड आल्सो चैप्टर नंबर 10 इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन कम टू स्कूल एंड कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 9 AM टू 1 PM। थैंक्स।